नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों की सेवा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में अधिक व्यक्तियों को पता नहीं होता है, लेकिन ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जिस पर कंट्रोल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसको कंट्रोल रखने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स और कुछ ऐसे आहार होते हैं जिनके जरिए इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको फैटी लीवर से बचने के ज़रूरी टिप्स और कुछ आहारों के बारे में हम बताने वाले हैं। अब जो लोग नहीं जानते फैटी लीवर क्या होता है, चलिए बताते हैं। दोस्तों, फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जो जब होती है जब लीवर में फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे लीवर के डैमेज होने का खतरा बढ़ता है। इन्फ्लेमेटरी एक्शन होने से लीवर के टिश्यू हार्ड हो जाते हैं। ऐसे में लीवर को हेल्दी रखने के लिए फैटी लीवर से बचने की ज़रूरत होती है। अगर बात करते हैं इनके कारणों की दोस्तों, तो गलत खान पान, ज़्यादा शराब पीना और मोटापा, ये सब फैटी लीवर होने के कुछ मुख्य कारण होते हैं। इसलिए इन समस्याओं से तो बचकर ही रहना चाहिए आपको। तो चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स और फूड जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे फैटी लीवर से बचने में। तो दोस्तों, जिन लोगों के लीवर में फैट ज़्यादा जमा हो गया है उन्हें कच्चा टमाटर खाने की सलाह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इससे फैटी लीवर के इलाज में मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, फैटी लीवर का उपचार करने के लिए सबसे पहले तो आपको फैट फ्री वाले आहार खाने की ज़रूरत है। कई लोग सोचते हैं कि भूखा रह लेंगे तो फैट को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन ये बहुत गलत सोच है दोस्तों। जी हाँ, आप क्रेश डाइटिंग करने लगते हैं तो इससे फैटी लीवर का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लीवर को हेल्दी रखने के लिए आपको ऐसे फूड और जूस का सेवन करना है जो जिसमें फैट नहीं हो। दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको पानी भी पीना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं अगली टिप्स की। आपको खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। यह फैटी लीवर को ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, फैटी लीवर को दूर करने का सबसे बेहतरीन उपाय खाली पेट संतरे का जूस और नींबू का रस पीना है। आप इसे भी आजमा सकते हैं। होल ग्रेन फैटी लीवर के लिए हानिकारक टॉक्सिन्स को तोड़ने का काम करता है। बढ़िया रिजल्ट के लिए आपको प्रोसेस्ड ग्रेन की जगह पर होल ग्रेन और इसके प्रोडक्ट्स का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, लीवर से फैट को कम करने के लिए ग्रीन टी भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। फैटी लीवर से छुटकारा पाने के लिए रोज़ाना ग्रीन टी का सेवन करें, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि फैटी लीवर के उपचार में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। दोस्तों, करेला खाने में भले ही कड़वा लगे, लेकिन लीवर को हेल्दी रखने का काम यह बखूबी करता है। इसलिए रोज़ाना एक या फिर आधे कप करेले की सब्जी जरूर खानी चाहिए। अगर हो सके तो करेले का जूस भी आप ज़रूर पिएं। चलिए कुछ आपको ज़रूरी टिप्स भी दे देते हैं। दोस्तों, फैटी लीवर की समस्या के उपचार के लिए आप रोजमेरी, कुकरोदा, लिकरिश और कई तरह की जड़ी बूटियों को भी ले सकते हैं। इससे फैटी लीवर से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको बिल्कुल रखना है कि गर्भवती स्त्रियों को इन सभी हर्ब्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, जो केवल नॉर्मल लोग हों वो इन सब चीज़ों का सेवन करें। तो दोस्तों, यही थे वो कुछ आसान से फूड्स टिप्स जो आप अगर जिनका प्रॉपर फॉलो करेंगे तो फैटी लीवर से बचने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, यही थी मेरी जानकारी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।